महाराष्ट्र सरकार आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को एक विधेयक पेश कर सकती है। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को परिषद में घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा सुनिश्चित करने वाले नए कानूनों को मंजूरी देगा और ये बिल सोमवार को राज्य के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण पर रेड सिग्नल दिखाने के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि सरकार कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी गौर कर रही है। पवार ने कहा, हमारी सरकार की सोच है कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए और हम सभी दलों को इसके लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट बैठक में वे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और फिर सोमवार को दोनों सदनों में इस बिल को पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए कोटा पर महाराष्ट्र पैनल की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया है। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।